नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड अप ऑफ प्रोसेस। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सेल साइकिल एंड अप ऑफ प्रोसेस। और इसका जो नेक्स्ट मैकेनिज्म हम दो या तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे, वो रहेगा इसका कंट्रोल मैकेनिज्म। इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल की, और फिर ये बात करेंगे कि वो जो सेल साइकिल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कौन से प्रोटीन्स जो है वो वहाँ पर को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट डाल लेते हैं हम सेल साइकिल एंड अपोप्टोसिस। और इसका हम पढ़ने वाले हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है कंट्रोल मैकेनिज्म। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्लियर। अब देखो, पहले बात करते हैं हम सेल साइकिल होता क्या, ठीक है। ये जो सेल साइकिल है भाई, सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट कौन सा सीरीज ऑफ इवेंट है? ये सीरीज ऑफ इवेंट है सेल डिवीजन का, जो कोशिका विभाजन करती है, सेल विभाजन करती है, कोशिका जो डिवीजन करती है, ठीक है, वो कोशिका क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो पार्ट में बदल जाती है। तो एक सेल से दो कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सेल साइकिल है वो क्या करवाता है, सेल डिवीजन का, ठीक है। अब ये जो सेल है जो इस तरह के इवेंट को फॉलो करती है, उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये जो भी संरचना है सेल डिवीजन की, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुल मिला के हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सेल डिवीजन की। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो, सेल डिवीजन जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं इसके, सेल डिवीजन के, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग रहेगा हमारा इंटरफेज का, और दूसरा भाग रहेगा एम फेज। एम फेज मतलब माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस वाला फेज है, और मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस वाला फेज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, इंटरफेज की, ठीक है। इंटरफेज एक तो ये होता है इसका भाग, दूसरा इसका दूसरा पार्ट है एम फेज, ठीक है। एम फेज को हम माइटोटिक या मियोटिक फेज भी बोल, अगर सेल जो है डिवीजन कर रही है, कौन सा, माइटोसिस, और समसूत्र विभाजन करना चाहती है तो उसको हम माइटोटिक फेज बोल देते हैं, ठीक है। और अगर वो मियोसिस करना चाहती है तो उसको मियोटिक फेज बोल देते हैं। तो एम का मतलब यहाँ पर दो हो सकते हैं, एक माइटोटिक हो सकता है और दूसरा हो सकता है मियोटिक। अब सेल किस प्रकार का डिवीजन करना चाहती है ये इसके ऊपर डिपेंड, तो इस फेज को हम एम फेज ही बोलते हैं, क्लियर। यहाँ तक की बात समझ में आए। अब देखो, ये जो एम फेज होती है, इस पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे हमें दोनों के बारे में जानते हैं। पहले हम एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, इसके बीच में ही यहाँ पर ही हम डायग्राम बना देते हैं सेल साइकिल का, इससे हमारी जो जितने भी पार्ट्स हैं इसके सारे के सारे शो हो जाए। ये यहाँ से यहाँ पर इसको हम एक छोटा सा एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो बोलते हैं जी जीरो फेज, तो बोलते हैं जी वन फेज, क्या आपने देखा होगा, तो बोलते हैं एस फेज, तो बोलते हैं हम जी टू फेज, और ये जो बच गया पार्ट वो क्या है आपका, एम फेज, ठीक है। हमने इसको उस तरह से डिवाइड नहीं किया है कि कितना टाइम लग रहा है क्या, तो केवल एक डिफाइन किया है कि ये आपका क्या है, जी वन फेज, ठीक है। अब ये जो जी वन फेज है, देखो जी जीरो है, जी वन है, एक एस है, और एक कौन सा है, जी टू फेज, और बाकी का जो बच गया वो कौन सा है आपका, एम फेज, एम फेज। अब ये जी वन से लेकर, देखो जी जीरो जो है वो सभी कोशिकाओं में नहीं आती है ना, जी जीरो जो फेज है वो केवल उन्हीं सेल्स के अंदर शो होती है जो आगे प्रोलाइफरेशन नहीं करना या वो रेस्टिंग फेज में जाना चाहती है, आगे उनको डिविजन करना नहीं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही एम फेज खत्म होती है, माइटोटिक या म्यूटिक फेज खत्म होती है, वापस ये सेल जी वन एस और जी टू में चली जाती है, क्लियर। तो
हम इस फेज को यहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है क्या आपका कहलाता है क्या, इंटरफेज। थोड़ा सा इस वाले को हम करते हैं, हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते हैं वन। इस पूरे भाग को बोलते हैं हम क्या, इंटरफेज। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल चीज है ना। ये हो गया आपका इंटरफेज, इसमें जी वन एस और जी, ये दो तरह की फेज हो गई, ठीक है। और एक हो गया आपका एम फेज, ठीक। अब ये जो एम फेज या माइटोटिक फेज है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यही हमारा वास्तविक सेल डिवीजन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक सेल डिवीजन बोलते हैं। और ये जो सेल डिवीजन होता है, इसके थ्रू दो डॉटर सेल बनती है। तो अगर वो माइटोसिस है तो दो डॉटर सेल बनती है, ठीक है। और अगर वो क्या है, मियोसिस है तो चार डॉटर सेल बनती है। अगर माइटोसिस है तो कितनी बनेगी, दो। और अगर मियोसिस है तो कितनी बनेगी, चार। तो हम यहाँ माइटोसिस की ही बात कर रहे हैं, तो जो भी हम बात करें वो केवल माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। केवल भाई आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मियोसिस वाला होता तो कितनी बनती, चार बनती। माइटोसिस है तो केवल दो बनेगी, और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो केवल माइटोसिस वाला ही प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, पहले तो वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। इंटरफेज का जो जी वन एस और जी टू फेज है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरफेज है, इसमें क्या करती है, सेल करती है ग्रोथ, ठीक है। एक तो सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ करने के साथ साथ ये यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि इसको डिवीजन करना है आगे चल के, एम फेज में आना है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर ग्रोथ करने के साथ साथ फूड को भी एक्युमुलेट, मतलब फूड को भी अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, फूड को, फूड का एक्यूमुलेशन कर रही है, फूड का कर रही है ये एक्यूमुलेशन, क्लियर। यहाँ तक की बात, इसके बाद में ये जो सेल है, इसी अवस्था के दौरान, जो इंटरफेज अवस्था होगी उसी अवस्था के दौरान, जो ये एस फेज होगी, इसके दौरान ये डीएनए का क्या करेगी, रेप्लिकेशन करेगी। तो यहाँ पर जो है डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब जो इंटरफेज है उसको हम जी वन एस और जी टू में डिवाइड करते हैं, जबकि जो एम फेज होती है उसको हम दो भागों में डिवाइड, ठीक है। चलिए अभी आगे हम देख लेते हैं कि हमारा, वापस से मैं वही पॉइंट डाल लेता हूँ, क्या, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल को हम दो भागों में डिवाइड कर रखे हैं हमने, एक भाग है अपना क्या, इंटरफेज, इंटरफेज, और जो दूसरा भाग है वो है हमारा क्या, एम फेज। अब हम एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखो इंटरफेज को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जी जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं सेल डिवीजन के अंदर। जी जीरो एक क्वीसेंट स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो सेल होती है वो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है, ग्रोथ नहीं करती, तो कुछ नहीं करती है वो, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अभी ये इंटरफेज है, इंटरफेज को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका G1, दूसरा है G2 और तीसरा है, सॉरी दूसरा है S, दूसरा कौन है, S, और तीसरा है G2, ठीक है। इसी तरह हम M फेज को भी दो भागों में बांट लेते हैं। M फेज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक भाग जो है वो कहलाता है आपका क्या, कैरियोकाइनेसिस। एक भाग क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा भाग जो है इसका वो कहलाता है इसका साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इंटरफेज। इंटरफेज को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जी वन एस और जी टू, ठीक है। दूसरा है कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस, एक भाग हो गया कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। अब चूंकि हम इनको तो जो है डिटेल पढ़ें, कैरियोकाइनेसिस में समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होता
और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये होता है कैरियोकाइनेसिस में, और ये वाला होता है किसके अंदर? साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई अपनी? ठीक है, पॉइंट किसी का नहीं आ रहा है। चलो अब देखो, ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसको भी हम जो है चार भागों में बांट देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा हमेशा, एक प्रोफेज यहाँ तक ले लेते हैं, थोड़ा सा चार भागों में बांटे हैं इसको। पहला पार्ट होता है इसका प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, ठीक है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, एनाफेज, और चौथा होता है टीलो। ठीक है, ये चार भाग होते हैं। तो ये जो चार भाग है ना, ये इंटरफेज के नहीं है। ये इंटरफेज का तो एक जीवन है ऐसे और जीटू। ये जो चार भाग है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये किसके हैं? कैरियोकाइनेसिस। चारों भाग किसके हैं? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम एक एक चीज को क्लियरिफाई करते हैं। इंटरफेज, एमफेज, इंटरफेज के अंदर जीवन एस जी टू क्या होती है, कैसे चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट डाल लेते हैं इंटरफेज का। नंबर एक पे पॉइंट डाल लेते हैं अपन, क्या? इंटरफेज। ठीक है जी, अब देखो इंटरफेज जो है ना, ये जनरली क्या होता है, जो एम फेज होती है उसके बाद आती है। कब आती है इंटरफेज? एम फेज के बाद में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी फेज होती है प्रत्येक फेज इनकी एक एक डिस्टिंक्ट कह सकते हो आप, अलग अलग प्रकार के सेट होते हैं। ठीक है, इनका एक बायोकेमिस्ट्री होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, सबका डिफरेंट टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे जीवन, इंटरफेज में आएगी जीवन, तो जो जीवन है उसमें अलग तरह के एंजाइम बनाए जाएंगे, वो अलग तरीके से काम होगा। ठीक है, एस फेज है उसमें एंजाइम प्रोटीन नहीं बनाए जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। फिर जी टू आएगी, उसमें फिर से एंजाइम प्रोटीन को बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेज है, एक तो सबसे पहली बात आती कब है, तो ये आती है इंटरफेज आफ्टर एम फेज, आफ्टर एम फेज आती है। अब ये बात समझ में नहीं आएगी आपको कि आफ्टर एम फेज का मतलब क्या है। तो देखो ये समझो, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, ये जी जीरो है और ये जी वन है। मतलब इंटरफेज कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से इंटरफेज, यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से? इस जगह से। ठीक है, अब जब ये एम फेज खत्म होगी तभी तो इंटरफेज आएगी। किसी भी कोशिका के अंदर इंटरफेज तभी आएगी जब एम फेज खत्म हो जाएगी। तब तक नहीं आएगी जब तक कि एम फेज खत्म नहीं, मतलब एम फेज चलती रहेगी तो ये भी चलती रहेगी। जैसे मियोसिस में होता है, आपने देखा होगा, मियोसिस के अंदर जो फीमेल होते हैं, फीमेल जो होती है उनकी जो क्योंकि मियोसिस के अंदर जो है एक या स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, मियोसिस जो होता है, मियोसिस के अंदर एक और स्पर्म का फॉर्मेशन। जैसे मेल है तो मेल के अंदर तो जो मियोसिस होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद में स्टार्ट होता है, लेकिन जो फीमेल होती है उनमें भ्रूण की जो अवस्था होती है उसी में ही मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो कब तक चलती है वो मियोसिस? वो मियोसिस चलती है उसकी 12 से 13 जो एज आती है उसकी, तो जब तक 13 साल का एम्ब्रियो जो है डेवलप होकर और वो एक लड़की नहीं बन जाता, और 13 साल बाद वो जो है उसकी ये यहाँ पर जो आएगी आपकी एम फेज, वो एम फेज की जो प्रोफेज स्टेज होगी वही उसको रोके रखती है 13 साल तक। मतलब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में ये कहानी बन गई, फीमेल भ्रूण बन गया, फीमेल भ्रूण बनने के बाद में वहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो गया, मियोसिस स्टार्ट हो गया, लेकिन वो मियोसिस में जीवन एस जी टू हो गई, सब काम हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ये जो प्रोफेज स्टेज आएगी, अभी हमने देखा था यहाँ पर एम फेज के अंदर, क्या बताते हैं आपको दोबारा से, देखो ये प्रोफेज स्टेज है, ये प्रोफेज स्टेज के अंदर ही वो रुक जाएगा। इसके अंदर मियोसिस के अंदर, माइटोसिस में नहीं रुकेगा, माइटोसिस में तुरंत आएगा। अब यहाँ पर उसको बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, कितना साल लगता है? लगभग 13-14 साल लगता है, तब जाकर फिर आगे की अवस्थाएं आती है, फिर वो एग का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं।
एक बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो 13-12-13 साल की एज में बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो इंटरफेज है ना, ये इंटरफेज तभी आएगी जब एम फेज खत्म हो जाए, बस इतनी सी बात है, इतना ध्यान रख लेंगे अपन। ठीक है, तो आफ्टर एम फेज आती है। ठीक है, यहाँ पर ये जितनी भी फेज होती है, ईच फेज जितनी भी फेज है यहाँ पर, चाहे वो G1 आती हो, चाहे S आती हो, चाहे G2 आती हो, इन सब के अंदर स्पेशल टाइप के बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। मतलब ईच फेज में डिस्टिंक्ट सेट ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस जो इवेंट है वो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो बायोकेमिकल प्रोसेस के जो इवेंट है वो अलग अलग सेट में हर फेज के अंदर अपना अपना खुद का एक सेट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते अपन, पर कैसे जाता है पता नहीं, चलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और। अब सबसे पहले इंटरफेज को हम क्लियरिफाई करते हैं। नंबर एक, इंटरफेज में सबसे पहले हमने बात की किसकी, आपकी पॉइंट फिर से डालना पड़ेगा। इंटरफेज को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, G1, देखो ये G1, S और, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, G1 फेज की। हम बात करते हैं G1 फेज। देखो G1 फेज जो है वो कहने का मतलब है कि जब G1 फेज आएगी, तो G1 फेज आएगी तो जो सेल है वो सेल अपना एक साइकिल पूरा कर चुकी हो और दूसरे साइकिल में एंटर करेगी। ठीक है, तो हर एम फेज के जो लास्ट होता है, एम फेज की सॉरी यहाँ पे कह सकते हो एम फेज का लास्ट, और जो एस फेज है, एस फेज आएगी। देखो दोबारा से एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। ये G1 है, ये S है, और ये आपका क्या है, G2। ठीक है, यहाँ पर M फेज खत्म हो रही है, तो M फेज के तो खत्म होने से लेकर S फेज के शुरू होने तक का जो पार्ट है वो G1 होता है। M फेज के खत्म होने और S फेज के शुरू होने का जो पार्ट है, इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, आपका G1 फेज। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज ए एंड ऑफ एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ एस फेज। जहां से एस फेज जो है वो स्टार्ट होती है, बिगिनिंग उसकी होती है, स्टार्टिंग शुरुआत होती है, और एम फेज जो है खत्म होती है, इनका बीच का, ठीक है ना, इनका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल इनके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका G1 फेज कहलाता है। यहाँ तक की बात समझ में है। अब G1 फेज में होता क्या है, देखो G1 फेज जो है वो G1 फेज के बाद में आएगी कौन सी, S फेज। G1 फेज के बाद कौन सी आएगी, S फेज आने वाली। तो S फेज जब आएगी तो यहाँ S फेज में क्या किया जाएगा, जो क्रोमोजोम है उनका डुप्लीकेशन किया जाएगा। अब क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन करना है तो डेफिनेटली क्रोमोजोम के डुप्लीकेशन के लिए, मतलब फिर रेप्लीकेशन के लिए आवश्यक जितने भी प्रोटीन्स है, आवश्यक जितने भी एंजाइम है, वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उनकी जो बायोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बायोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी। बायोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या होगी भाई, हाई होगी। जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे बायोसिंथेटिकली, तो इनका निर्माण किया जाएगा वो क्या होंगे, यहाँ पर हाई होंगे, उच्च अमाउंट में बनाए जाएंगे, ताकि रेप्लिकेशन के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जो है एंजाइम, उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है, मदद किया जाता है। तो यह हम लिख सकते हैं सिंथेसाइज सिंथेसाइज वेरियस
various type of enzyme, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रकार के जो है एंजाइम वो यहाँ पर सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। अब ये जो वेरियस टाइप के एंजाइम है वो किसके लिए सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, जनरली ये जो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं एंजाइम वो पर्टिकुलरली आप कहोगे तो ये सिंथेसाइज किए जाते हैं किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किए जा सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ये सारे एंजाइम मेन जो है इनका काम है डीएनए को रेप्लिकेट करवाना, तो ये केवल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक का मामला, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर कैसे किया जाए, कि बार बार क्या करना पड़ रहा है इसको, तो करना पड़ रहा है कोई नहीं। तो देखो ये भी नाम नया लगाया है आप लोगों को, सब कुछ नया किया है तो ज़्यादा शेयर करना है आपको। वैसे तो यूट्यूब पे डालूंगा मैं, काफ़ी बाद में डालूंगा, पहले आपको डालेंगे ऐप के ऊपर, बाद में यूट्यूब पे आती है। तो जब भी आपको यूट्यूब पे मिले तो आप ज़रूर इसको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्या करते हैं, ये डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा मुझे देखने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप, हो गया, वेरी गुड, हो गया, चल गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलाइए। ओके, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो हर 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 सेल के अंदर, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए एंजाइम बनाया जा रहा है, तो वो हर टाइप की सेल, जैसे मान लो कोई पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर है, कोई स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर है, कोई कोलेन्काइमा में है, तो अलग अलग टिश्यू के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग सेल, या अलग अलग ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग तरह की कह सकते हो आपकी ये जो प्रोसेस है एंजाइम बनाने का, ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यहाँ मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये जो सिंथेसिस प्रोसेस है ये क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है। हाईली क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जो स्पीसीज है वो डिफरेंट स्पीसीज, सॉरी सेम सेल, सेम स्पीसीज की डिफरेंट सेल में भी ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे सेल के अंदर डिवीजन करना है, आई एम स्पीसीज, आप हो, आपके अंदर भी ये डिवीजन करना है, अभी मेरी स्पीसीज के व्यक्ति, ठीक है, और भी कोई दोस्त पाँच दस आपके जो फ्रेंड है, सब हम एक ही स्पीसीज के, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर जो एंजाइम का फॉर्मेशन है वो अलग होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा, आपके में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपके पास वो एंजाइम अवेलेबल है या नहीं है जो आगे रेप्लिकेशन में काम आने, समझ में आगे बात। तो मैं कहना चाहते हैं कि ये क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, हाईली वेरिएबल होता है अमंग डिफरेंट सेल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम जो स्पीसीज है उस सेम स्पीसीज के अंदर ये क्या होता है, डिफरेंट सेल में वेरिएबल। तो ये हो गई हमारी एस फेज। एस फेज में हमने ज़्यादा कुछ कहानी नहीं समझनी है, मतलब ऐसा हल्का सा ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसके अंदर, देखो सॉरी जीवन फेज के अंदर, बस इतना सा याद रखना है कि ये एक तो एम फेज जहाँ एंड होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और इस ख़त्म होती है एस फेज तक, तो इसके मिड वाला जो पार्ट है वो ये कहलाता है आपका जीवन फेज। इसमें केवल बायोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है और वो बायोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात कि ये सेम स्पीसीज के अंदर डिफरेंट सेल के अंदर ये वेरिएबल हो सकती है, मतलब अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग तरह से पाए जा सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा है अपने पास में क्या, एस फेज। एस फेज, ठीक है। अब देखो एस फेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एस फेज में हमने कहा कि केवल डीएनए का रेप्लिकेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर बस इतना सा ही काम होता है, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस किया जाता है, डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस किया, ठीक है। पहली बात, डीएनए सिंथेसिस का मतलब हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन किया, ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस, या आप कह सकते हो डीएनए का क्या किया जाता है, रेप्लिकेशन किया जाता है। रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, एस स्टेज में होता है, एस फेज के अंदर।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो होता है किसके अंदर, एस फेज के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो यहाँ पर जो डीएनए होता है इसका जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है, डबल। डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब कि जो गुणसूत्र का अमाउंट है, डीएनए का मतलब क्या है, गुणसूत्र। यहाँ पर डीएनए का मतलब क्या है, गुणसूत्र, ठीक है। देखो गुणसूत्र के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अपन एक सेल है मेरे पास, ये अब ये मान लो हमारी जो है 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे, ठीक है ना। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। मतलब 46 क्रोमोजोम को बनाने वाला जो डीएनए है वो इस सेल के अंदर अवेलेबल है, मतलब इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल, ठीक है। अभी एस फेज चल रही है तो डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ये कहाँ होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बात है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, इस न्यूक्लियस में। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस फेज कहाँ पर परफॉर्म होती है, तो वो केवल न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो गुणसूत्र की जो संख्या है वो क्या हो गई, डबल हो गई। अमाउंट कैसा हो गया, डबल। तो यहाँ 46 गुणसूत्र थे तो एक और 46 जोड़ दो आप, तो कितने हो गए आपके, 92 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है। कितने गुणसूत्र हो गए, 92 क्रोमोजोम। अब ये 92 क्रोमोजोम किस तरह से प्लेस होते हैं, तो यहाँ पर ये 92 क्रोमोजोम जो होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड, इस तरह से दो क्रोमेटिड, समझ में आ रहा है। ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ये क्या है, क्रोमेटिड है, और ये भी क्या है, क्रोमेटिड, ठीक है। तो हर गुणसूत्र क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे डबल हो गए, दो क्रोमेटिड में बदल गए इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया क्रोमेटिड, और ये पहला पूरा क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। ऐसे दो दो हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबकी संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये ऐसे क्रोमेटिड में बदल जाता है और ऐसे दो दो हो जाते हैं। पहले तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये जो हमें जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये हमें केवल यहाँ नहीं दिखाई देगी, ये तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कैसा होता है, यहाँ नहीं दिखेगी हमें ये। यहाँ तो केवल डीएनए जो है वो कैसा है, डीएनए के फॉर्म में, यहाँ गुणसूत्र के फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में से पड़े हुए हैं धागे के रूपा, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी। ऐसी स्ट्रक्चर केवल एम फेज के अंदर ही दिखेगी, और वो भी किसके अंदर, मेटा फेज के अंदर दिखेगी। सब जगह ऐसा नहीं दिखता है हमें, तो ये ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा हमें नहीं दिखता है, हमें दिखता है ऐसा वाला। अगर आप कोई सेल इंटरफेज अवस्था में है और एस फेज में भी है, और जब आप उसका स्टेन करोगे, ठीक है, कैरियोटाइपिंग करोगे, तो आपको उसकी कैरियोटाइपिंग में ऐसा धागा सा दिखाई देगा जिसके ऊपर बैंड सा हमें नजर आएंगे। कैरियोटाइपिंग में हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, पेपर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट हो गया डबल। अब डबल अमाउंट हो गया तो आप कहोगे साहब ये सेल तो 2N है, तो ये 2N और हो गया, यानी कि तो सेल हो गई 4N, ठीक हो गया भाई। एक तो ये 2N है ऑलरेडी से, और फिर से इसमें 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम और आ गए, तो ये तो 4N हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, ऐसे क्रोमेटिड में बदल जाते हैं, एक एक गुणसूत्र ऐसे डबल हो जाते हैं। डबल हो गए तो अब इस ये जो क्रोमेटिड होते हैं इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इन दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं भाई, ये दोनों क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर है, सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक की ही कॉपी है दूसरा एक की ही कॉपी, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है इसलिए वो एक जैसे है। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, इसी की ही तो कॉपी है, फ्लोइडी तो उसको बोलते हैं, जब यहाँ पर ये क्रोमेटिड अलग टाइप का होता, ये अलग टाइप का होता, तो हम ये कह सकते थे कि ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग, दोनों अलग है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बड़े हैं तो फ्लोइडी भी बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट है डबल तो हो गया, लेकिन इसकी जो फ्लोइडी है वो क्या होगी, सेम होगी, फ्लोइडी में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब ये 4N नहीं होगा, 4N ही रहेगा, तो गुणसूत्र तो सेम है। अब कितनी भी कॉपी हो जाए उसकी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़े, नहीं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉपी कितनी भी हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोइडी नहीं बदलेगी। फ्लोइडी तब बदलेगी जब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर, उसके अंदर पाए जाने वाले जीन वो क्या हो, डिफरेंट, तभी ये स्ट्रक्चर चेंज होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है इम्पोर्टेंट जो हमें याद रख
रखनी चाहिए, और वो क्या चीज है कि यहाँ पर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब जो प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का, और एम उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन किससे बनती है, ट्रांसलेशन से। तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है आप कह सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो होते हैं यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है। तो आप कह सकते हो ये कैसे होते हैं, वेरी लो होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही कम, वेरी लो, बहुत ही कम हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ये सब। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रही है, एक चीज क्या है कि जो हमारी एम फेज आएगी ना, एम फेज में हमें इस तरह के गुणसूत्र बनाने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं स्टोन प्रोटीन, उसका निर्माण इसी एस फेज के अंदर होता है। ये आपको ध्यान थोड़ा सा रख लेना है। तो यहाँ पर एस फेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हमारी, वो क्या है एस फेज के अंदर, वो है कि यहाँ पर इस एस फेज में जो स्टोन प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखना इसका, स्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है। तो यहाँ पर स्टोन का प्रोडक्शन होता है, स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोसोम के अंदर कि स्टोन प्रोटीन जो है वो कितने प्रकार की पाई जाती है डीएनए के अंदर, H1, 2A, H2B, H3, H4, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टोन प्रोटीन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, एस फेज के अंदर की, ठीक है। यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखते हैं अपन, ओके ठीक है। अब हम एक और फेज जो है वो पढ़ लेते हैं, G2 फेज, ठीक है। एस फेज हो गई, लास्ट फेज पढ़ लेते हैं G2, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आगे की फेज की, फिर आगे की चीज, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे चेंज करनी है, तो थोड़ा सा हम छोटी सी क्लास ही लेंगे, फिर बाद में आपकी लॉन्ग क्लास लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ अभी आप G2 फेज। अब देखो जो G2 फेज है ना, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्योंकि DNA का रेप्लिकेशन हो गया, अब आगे सेल को क्या करना है, प्रोलाइफरेशन करना है, मतलब अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो फिर से उसको क्या चाहिए, प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना है उसको, इसका जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। अब देखो सेल क्या है कि माइटोसिस में जाएगी तो कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा, मतलब ये जो गुणसूत्र बने थे भी डबल ये सब अलग अलग होंगे, इनको अलग अलग करने के लिए एक स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी जरूरत होगी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, या आप कह सकते हो उनको तर्कु तंतु या तारक तंतु, अगर एनिमल सेल होती है तो तारक तंतु बोल देते हैं, प्लांट सेल होती है तो तर्कु तंतु बोल, है ना, स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल फाइबर, तो ये यहाँ पर बने, तो वो एस्ट्रल फाइबर बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर बनती है, ठीक है। इस प्रोटीन से प्रोटीन यहाँ और भी बनती है, केवल एक ही प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पर जो माइक्रो ट्यूबुल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मेन चीज क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ट्यूबुल, माइक्रो ट्यूबुल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, माइक्रो ट्यूबुल यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। अब देखो जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी, वैसे दो ही काम हो रहे हैं, दो ही काम क्या होते हैं, एक तो यहाँ पर माइक्रो ट्यूबुल का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरा यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, और कुछ नहीं होता है, बस इतना सा काम होता है यहाँ पर। अब जब आगे जाना है, एम फेज के अंदर जाना, अभी कौन सी फेज चल रही थी, ये हमारी G2 के बाद, अब जैसे ही सेल एम फेज के अंदर एंटर करेगी, एम फेज में जाने के लिए ये सब बंद करना पड़ेगा, ये सब रोक देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही सेल
इनहिबिट करती है। ठीक है, देखो कैसे, जब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए, हमें कह सकते हैं कि इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या हो जाए, इनहिबिशन हो जाए। तो प्रोटीन का इनहिबिशन इसको किधर ले जाता है, इसको ले जाता है, ये शायद मुझे लग रहा है दिखने का है, दूसरा ले जाता है, ये ले जाता है इसको किसमें, अंडरगो एम फेज, जो एम फेज होती है या तो माइटोसिस होगा या मीटोसिस, उसके अंदर ये क्या, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का इनहिबिशन होना इसको कहाँ ले जाएगा, माइटोसिस में। ठीक है, अब माइटोसिस को भी हमने देखा है, माइटोसिस में चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, इसको हम कैरियोगाइनेसिस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी की ही बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, और कैरियोगाइनेसिस। ठीक, और फिर उसके बाद में जो इसकी क्वेश्चन से स्टेज आती है जी जीरो, उसके बारे में चर्चा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, ओके।